धरती का कोई भी जाति विजाति का व्यक्ति हो, धर्मी विधर्मी हो, शुक्रवार को पूरी धरती पृथ्वी शुक्रवार को ही विशेष मानती है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं गुड फ्राइडे, उनका दिनों में गुड कौन सा होता है, शुक्रवार के दिन में उनका गुड फ्राइडे आता है। और मुसलमानों के लिए पांच बार नमाज पढ़ने का अगर कोई दिन है तो शुक्रवार, शुक्रवार को ही वो जाते हैं। हम भी शुक्रवार के दिन देवी माँ की विशेष पूजा, देवताओं की विशेष पूजा, धरती के कोई भी देवता हो उनके दिन, भले बुधवार हो, गुरुवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, उनके शुक्रवार की पूजा से हम में बल बढ़ता है। क्योंकि पुरुषों में जो वीर्य है, पुरुषों में जो वीर्य है उसका नाम ही शुक्राणु है। क्या नाम है? शुक्राणु से ही वंश बढ़ता है। जिसमें शुक्र का वीर्य अणु का कमजोरी हो वो निपुत्र होता है। वंश आगे से आगे बढ़ना हो तो क्या चाहिए? वीर्य चाहिए। और ये वार शुक्रवार जो है आपके जीवन में जिससे यौवन बना रहता है, शक्ति बल बना रहता है, जिसको अंग्रेजी में स्टेम सेल कहते हैं, जीवाणु। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। आप समझो इसमें, इस बच्चे का उम्र कितना होगा बेटा, कितना होगा तेरा उम्र? हाँ, 16, स्वीट 16 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट 16 कहाँ से आया? हरियाणा से। हरियाणा कैसे हुआ? वहाँ के लोग कहते हैं हरी तू आना, हरी तू आना, हरियाणा हरियाणा जो सोचते हैं इसलिए वो हरियाणा है। हरियाणा अपने को राज्य के ऊपर जाना नहीं, क्या हरियाणा उसी राज्य का नाम लेते रहेगा तेरे को वैकुंठ भी मिल जाएगा। कल से तेरा नाम नहीं बाप का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं, अपने राज्य का नाम लो, हरियाणा हरियाणा हरियाणा। जिस दिन हरी आएंगे वैकुंठ भी मिल जाएगा। इतना अच्छा नाम है हरियाणा। इधर आ गया, उस तरफ मुड़ के देख, इसके चेहरे में कोई ज्वेलरी दिख रही है क्या? आप थोड़ा खड़ा होइए, इधर आइए, आगे आइए। 8 दिन में कोई काम नहीं आए, आज काम आएंगे। उधर खड़ी है, मुझे मत दिखाइए। बच्चे के बाल किस रंग के हैं? इनका बाल किस रंग का है? दोनों मनुष्य है कि एक मनुष्य नहीं एक राक्षस है? दोनों पुरुष है कि एक पुरुष है नहीं एक स्त्री है? फिर एक के बाल सफ़ेद, एक के बाल काले हैं, आप बोलोगे कि वो जवान है नहीं ये बूढ़े हैं इसलिए हुआ है। आज एक रहस्य बता दूं शुक्रवार का। क्या रहस्य है? आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये ज्वेलरी ने ये बाल कैसे ऐसे होते। अभी आप विराजमान हो जाइए, ज़्यादा देर करेंगे लोग 150 फोर डालने लगेंगे, मेरे व्रत का भंग होगा। शांत बैठ जाइए, तू बैठ जा बेटा। हरी आना हरी आना हरी आना, बैठ जा। कौन आना? हाँ हरी आना हरी आना। ऐसे नाम होना जिस नाम से कल्याण हो जाए। तो महाराज मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ कि ये ज्वेलरी सफेद बाल कैसे आते हैं? आपको बताऊँ, हमारे शरीर से हजारों सेल्स हर दम नीचे गिरते रहते हैं और तुरंत नए सेल उत्पन्न होते रहते हैं। जिस समय नीचे गिरने वाले सेल 100 हों, वापस उत्पन्न होने वाले सेल 100 हों, उसको जवानी कहते हैं। जब 100 सेल हर शरीर से गिरते हों और 90 ही उत्पन्न होते हों तो समझना कि अब शिथिल हो रहा है शरीर। जिस समय 100 सेल नीचे गिर गए और 40-30 ही उत्पन्न होते हैं तो सफ़ेद बाल ज्वेलरियाँ सब आने लगते हैं। और जिस दिन 100 सेल गिर गए, एक सेल भी वापस उत्पन्न नहीं हुआ तो समझना परलोक गया आदमी। यानी श्वास मात्र जाता आता नहीं है, जब श्वास बाहर जाता है कई जीवाणु नीचे गिरते हैं, जब श्वास अंदर आता है तो कई जीवाणु अंदर आते हैं।
लेकिन जब श्वास तो बाहर जा रहा है, श्वास अंदर आ रहा है, लेकिन जीवाणु अंदर नहीं आता है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। और शुक्र की जो साधना करता है, शुक्र की जो आराधना करता है, उसके शुक्राणु बलवान होने से भले ही उम्र 90 साल का हो जाए, दिखने में मजबूत और बलवान होगा। आपके जीवन में बल और वीर्य चाहिए तो वो शुक्र ही कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं। शुक्राणु का ही वो काम है आपको बलवान करेंगे। किन का काम है? हाँ, शुक्र स्टेम सेल। इसीलिए शुक्र की देखो, ये जो हथेली है ना, ये है हथेली। ऐसे हाथ रख के, ऐसे दबा के रखोगे रोज 5 मिनट भी अंगूठे को ऐसे दबा के, तो ये जगह जब दबता है तो शरीर में बल और शक्ति बढ़ता है। इसको शुक्र मुद्रा कहते हैं, शुक्राचार्य की मुद्रा। किसी को बहुत बड़ी धन आ जाता है, बहुत बड़ा अचानक पैसा आ जाता है, तो हमारे दक्षिण में तो उसको देख के कहते हैं कि तेरी शुक्र दशा आ गई है। क्या दशा? जब शुक्र अपने जन्म दशा में आते हैं, जन्म कुंडली में आते हैं दशा में, तो निश्चित ही धन की बरसात होती है। शुक्र देव पुत्र संपत्ति, धन संपत्ति, सुख संपत्ति, तीनों संपत्ति देने में ताकतवर हैं शुक्राचार्य। क्या क्या देते हैं? धन, क्या क्या देते हैं? पुत्र संपत्ति। हाँ, इसलिए हम सब शुक्रवार के दिन देवता की पूजा, अधिक पूजा करते हैं। वार के हिसाब से फल बदलता है। शनिवार के दिन अपने कुलदेवी की पूजा करोगे तो डर मिटेगा, संकट मिटेगा। रविवार के दिन पूजा करोगे तो आरोग्य बढ़ेगा। सोमवार के दिन पूजा करोगे तो शांति मिलेगा। मंगलवार के दिन देवता बदलाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते हैं, शुक्रवार को उसके पास जाते हैं। तेरा पति बूढ़ा हो गया तो कहाँ जाएंगे? पड़ोसी के पास जाएंगे। अपने इष्ट और कुल देवता एक ही होंगे, उसको बदलाने की जरूरत नहीं है। 7 दिन में बराबर उनकी पूजा करो तो जो 7 देवता जो फल देते हैं, आपकी कुल देवी स्वयं देगी। दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं। जय जय गुरुदेव।